निरंतर भगवान श्री हरि के चरणों का दर्शन करते हैं वो सूर है। मजा महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर। कलयुग में रह करके जो भगवान का सुमिरन करता है, संत महापुरुष, ये वीर है। ऐसे ऐसे वीर भी मुह्यंति यत् सूरयः, मोहित हो जाते हैं जिनकी लीला को देखकर। यन माया वसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा, जिनका बड़ा विलक्षण अन्वय है, सृष्टि का बड़ा विलक्षण क्रम है। तेजो बारी मृदाम, तेज में जल का आभास। जून के महीने में राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर की तरफ चले जाओ, जहां रेत ही रेत है महाराज, और खड़े हो जाओ सामने, देखोगे ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ, लहरें चल रही हैं। वही प्यासा हुआ हिरण वो पानी की तलाश में दौड़ता है, कोसों दूर दौड़ता दौड़ता अंत में मर जाता है। पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि पानी है नहीं। इसी का नाम मृग तृष्णा है। ये संसार दुखालय है, पर इस दुखालय संसार में हम सुख की आकांक्षा लेके दौड़ते हैं, सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, और अंत में जीवन समाप्त हो जाता है। आप गर्मी में हाईवे में चलो गाड़ी से, तो हाईवे में सामने ऐसा लगता है जैसे लहरें चल रही, पानी भरा हुआ, तेजो बारी, बड़ा विलक्षण क्रम है। जो अपना है वो सपना लगता है, और जो सपना संसार है वो अपना लगता है। ऐसे वो परमात्मा भगवान श्री हरि सत्य स्वरूप ग्रंथ को निर्विवाद रखने के लिए यहां सत्य स्वरूप की प्रार्थना की गई, क्योंकि सत्य सबको प्यारा है। कितना भी निकम्मा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बेधर्मी क्यों ना हो, दिन रात झूठ बोलता हो, सत्य उसको भी प्रिय लगता है। वो कहता है ना सत्य सत्य बोलना, उससे भी कोई झूठ बोलता है उसको गुस्सा आ जाता है। सत्य सबको प्रिय है, क्योंकि सत्य स्वयं नारायण है। कई बार वो कहते सत्य कड़वा होता है, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य स्वयं नारायण है, और नारायण के विषय में शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम, और मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो कड़वा कैसे हो सकता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मधुर है, मीठा है। पर ऐसे ही है महाराज, जैसे आपने जलेबी निकाली और उस जलेबी को कढ़ाई से निकाल करके चटनी में डुबो दिया, जो समोसे के लिए चटनी बनी रखी थी और जलेबी को चटनी में डुबो दिया तो जलेबी कड़वी लगेगी, उसी जलेबी को चाशनी में डुबो दोगे तो मीठी लगेगी। अब हम प्रयोग कैसे करते हैं, जब सत्य का प्रयोग हम किसी को सुख देने के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, मीठा है। परंतु वही सत्य जब हम किसी दूसरे को दुख देने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी भावना में जो हमारे कलुषित विचारधारा को हम उसके साथ प्रेषित करते हैं, वो कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं है। जैसे सत्य सबको प्रिय है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत सबके लिए प्रिय हो, इसलिए सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के हमें सत्कार के लिए प्रेरित करे। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में कोई सत्कार नहीं हो सकता। दूसरे श्लोक के क्रम में परम धर्म की बड़ी अद्भुत बात है। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मतनाम सताम, निष्कपट भागवत धर्म की व्याख्या ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। निष्कपट भागवत
धर्म में भी कपट? बोले हाँ, यदि भक्ति की आकांक्षा में उपासना कर रहे हैं और भक्ति की आकांक्षा में उपासना करते करते बीच में कहीं मुक्ति आ जाए कि मुक्ति मिल जाए, उपासना सगुण साकार की कर रहे थे और मुक्ति की अभिलाषा भी आ जाए तो मोक्ष पर्यंतम कापट्यम। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के क्रम में मुक्ति की आकांक्षा भी सगुण साकार की उपासना में लगे हुए उन भक्तों के लिए ये कपट माना जाता है। निष्कपट भागवत धर्म की व्याख्या इसका प्रतिपाद्य विषय है, जैसे रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय है, यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। उदार राम नाम की व्याख्या ही रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय है। वाल्मीकि रामायण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? वाल्मीकि रामायण का प्रतिपाद्य विषय है सीता का चरित्र। वाल्मीकि जी ने राम को नहीं गाया। काव्यम रामायणम यद सीताया महतम चरित्र, ऐसे ही भागवत का जो मूल विषय है वो निष्कपट धर्म की व्याख्या है, जिसे श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। है कैसी भागवत? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्दय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भाव। वेद वेदांत रूपी वृक्ष निगम कल्प तरोर, उसमें भागवत रूपी गलितम माने पका हुआ फल लगा हुआ था। सुखदेव रूपी तोता ने आके चोंच मार दी। तोता का स्वभाव होता है जिस फल में चोंच मार दे उस फल के मिठास में चार चांद लग जाते हैं। या ये कहो कि इतना समझदार होता है जो मीठा फल होता है उसी में चोंच मारता है। सुखदेव जी ने चोंच मार दी, सुख मुखा द्रव संयुक्त, इतनी मिठास पड़ गई महाराज। दुनिया के जितने भी फल हैं उनमें छिलका गुठली बीज होता ही होता है, पर ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है, ना तो छिलका है ना तो बीज है ना तो गुठली है। रसमालयम पियो पिबत भागवतम। एक सामने खड़ा हो गया महाराज पिला दो। ये भागवत पीने का विषय तो है पर यहां से पीने का विषय, यहां से जो भी खाया जाता है पिया जाता है एक क्षण में नीचे उतरते खराब हो जाता है। कीमती से कीमती पदार्थ एक सेकंड के अंदर नीचे उतरा कि खराब हो गया। पीने का विषय है पेयम पेयम श्रवण पुट के, पीने का विषय है, पर कान से पीने का विषय है और कान से जो चीज पी जाती है सुनना सामान्य बात है, पर कान से जो पी जाती है जो बात दिल को छू जाती है वो कभी नष्ट नहीं होती। याद करो बचपन, वो प्राइमरी स्कूल छोटे छोटे थे, प्रार्थना हो रही थी, किताब में नहीं पढ़ी सुनी थी, आज भी पंक्तियां याद आ। वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ए बी सी का खा ग याद नहीं किया था क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते थे, वो तो हमने सुना था जब मास्टर बोल रहा था कमल वाला का जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुना था हमने पिया था, आज भी वो स्थिर है, आज भी रिकॉर्ड में है। तो पीने का विषय है पर ये कान के द्वारा पीने का विषय है। पियो क्या पिए? भागवत पियो, किसी भागवत के मुख से पियो, भागवत बन के पियो और भागवत पियो, जितना भाग में हो उतना पियो। एक बार पिए नहीं, मुहर हो बार बार
क्योंकि जितना चाखा प्रेम रस उतनी बढ़ी प्रेम की प्यास, जितना समझा दूर हरि को उतने ही वो निकले पास। ऐसा रस है महाराज जो पीने के बाद और प्यास बढ़ती है। संसार के जो जल की प्यास है वो पीने के बाद समाप्त हो जाती है, पर ये कथा की जो प्यास है, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये जितना पियोगे उतनी और प्यास बढ़ती है। और प्यास, और सुने, पर जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई लगती है। दिने दिने नवम नवम, ये विशेषता है। उपन्यास लोग एक बार पढ़ लेते, दोबारा हाथ नहीं लगाते, तो पढ़ी हुई है, पर इतनी बार पढ़ने के बाद, इतनी बार सुनने के बाद अभी लगता है अभी तो हमने कुछ सुना ही नहीं, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। कबीर दास की अटपट मानी, बरसे कंबल और भीजे पानी। कबीर दास की अटपट मानी, बरसे कंबल और भीजे पानी। कंबलहा, ये जो आंख है ना, इसके कोई और बल नहीं है। बरसे कंबल, ये जब दुखी होती है, परेशान होती है, तो रो पड़ती है। जो मुख से निकले नहीं तो नयन देते हैं रोए। बरसे कंबल, जब आंख से पानी चलने लगता है, आंसू चलने लगते हैं, तो भीजे पानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हाथ को पानी कहते हैं ना, पानी ग्रहण। कबीर दास की अटपट वाणी, बरसे कम्बल भीजे पानी। तो इस बात को कोई साधु समझ सकता है, पर ये रसिक मार्ग बड़ा अलौकिक मार्ग है। देखा देखी रसिक न होई, रसिक मार्ग अति बंका, कहां सिंह की सरवर करे हैं गीदड़ फिरे निशंका। महली की गति महली जाने, लखे न बाहर वारो, नप की रहन सहन का समझे भेड़ चरावन हार। जो भाव है, इस भाव को कोई भाव वाला ही समझ सकता। जिनके अंग प्रत्यंग में रोम रोम में कृष्ण समाया है, निरंतर जो भींजे रहते हैं, जिनके नेत्र सजल रहते हैं, वाणी सरस रहती है, हृदय सरल रहता है, जीवन सजग रहता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाव। इस प्रकार से तीन श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए चले नैमिषारण्य। नैमिषे निमिष क्षेत्रे दिशया सौनका दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। 1000 वर्ष का दिव्य अनुष्ठान नैमिषारण्य धरा में। ये ऐसी धरा है जहां भगवान के संबंध से नहीं जानी जाती। इस धरा से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इस धरा से यदि इस धरा को पहचाना जाता है तो संतों की कृपा से जाना जाता है। ऐसी धरा है, पूरे विश्व पटल को अध्यात्म का ज्ञान प्रदान किया है नैमिषारण्य। कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी चर्चा शुरू होती है तो चर्चा का शुभारंभ नैमिषारण्य से होता है। 1000 वर्ष का सहस्त्र सममास तो दिव्य अनुष्ठान। उसी क्रम में प्रातः काल हवन आदि संपन्न होता है। मध्याह्न का जो समय था, तो साधु वही है जो क्षण को खराब नहीं करता। कण और क्षण दो का जो ध्यान रखता है उसी का नाम है संत।
भगवत प्रसाद का कण और जीवन का ये क्षण व्यर्थ ना चला जाए। सूजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। तो या खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यास्तानधीतानि सर्वधर्म शास्त्रानि। हे नाथ, आपने वेद पुराण आदि की बड़ी बड़ी चर्चा सुनाई है, अब हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है और हमारे उन जिज्ञासाओं की पूर्ति कर दो। क्या जिज्ञासा है? छह जिज्ञासा प्रकट की। किम श्रेय, जीवन का श्रेय क्या है? पहली जिज्ञासा। शास्त्र सारस्य कह, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरी जिज्ञासा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं इस धरा में आने का कारण क्या है? तीसरा जिज्ञासा। किम कर्म, चौथी जिज्ञासा, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, क्यों की? पांचवी जिज्ञासा। के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? छठवीं जिज्ञासा। धर्मम का शरणम गता, जब भगवान द्वापर की लीला स्मरण करके इस धराधाम से चले तो वो धर्म किसकी शरण में गया? ये छठवीं जिज्ञासा। इन्हीं छह प्रश्नों से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। नया साधु पृष्ठोय भवद भी लोकम। सूत जी ने कहा, अरे महात्मन, आपका प्रश्न ही इतना मंगल है कि जो केवल प्रश्न का चिंतन करे उसका भी मंगल हो जाएगा। कृष्ण भक्ति पराश्रय, पहली जिज्ञासा का उत्तर। भगवान की भक्ति ही इस जीवन का श्रेय है, जीवन का ध्येय है, जीवन का गेय है, जीवन का पेय है और जीवन का पाथेय है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं। हरि की भक्ति ही, हरि का सुमिरन ही, हरि का ध्यान ही जीवन का श्रेय है। कपड़ा रोटी मकान इस शरीर को चाहिए। कपड़ा रोटी मकान के लिए यत्न करना होगा। किसके लिए? कपड़ा रोटी मकान के लिए। मैं सामान्य लोगों की बात कह रहा हूं, संतों के लिए तो खुदा अपने बंदों की करता खुद निगहवानी। नया बिस्तर नया दाना नया मंजर नया पानी, तो सामान्य संसारी की बात है। कपड़ा रोटी मकान के लिए काम करना होगा। किस लिए? कपड़ा रोटी मकान के लिए। कपड़ा रोटी मकान किस के लिए? शरीर के लिए। पर शरीर किसके लिए? अपने आप से पूछो, शरीर किस लिए? हम तो कपड़ा रोटी मकान में खड़े हो जाते हैं, वही धोखा हो जाता है। शरीर भगवान के लिए। हरि का भजन पेट का धंधा और करे सो मूर्ख अंधा। कृष्ण भक्ति पराश्रय, शास्त्र सारस सही वही, शास्त्रों का सार भी भगवान की भक्ति है। बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया। यथा खरस चंदन भारवाही, भारस बेता न तु चंदनस, तथा च विप्रा सुत शास्त्र युक्ता, मद भक्ति हीना खरवद वहंती। जैसे गधे की पीठ पर जो है चंदन लाद दिया जाए, बलयागिरी, गधा उस चंदन से प्रभावित नहीं होता, उसको तो भार है। चाहे ईंट लाद दो, रोड़ी लाद दो, मिट्टी लाद दो, पत्थर लाद दो, चाहे चंदन लाद दो। भगवान कहते हैं तथा च विप्रा सुत शास्त्र युक्ता, ऐसे ही वेद पुराण उपनिषद मीमांसा छंद व्याकरण आदि से समन्वित जिसका जीवन है। परंतु यदि भक्ति से विहीन जिसका जीवन है, शब्द का बोध तो है
पर बोध के शब्द नहीं है जिसके जीवन में। शब्द का अनुभव तो सारे संसार को प्राया करके है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खुली हैं जो शब्द का अनुभव कराती हैं, पर अनुभव के शब्द किसी संत के जीवन में होते हैं। अनुभव गम भजई जेहि संता, जब अनुभव के शब्द होंगे, शब्द का अनुभव सामान्य बात है, पर अनुभव के जब शब्द होंगे उनसे जीव का कल्याण होगा। सब कुछ होने के बाद यदि भक्ति नहीं है, मद भक्त ही ना खरवद बहन, इसलिए कृष्ण भक्ति पराश्रया शास्त्र सारस सही वही, प्रयोजनम सताम रक्षा, भगवान के आने का प्रयोजन है सज्जनों की रक्षा। भगवान रावण को मारने नहीं आते, कंस को मारने नहीं आते, क्या जरूरत है? जिस परमात्मा के एक सेवक में इतना बड़ा पावर है कि 400 कोस के उस समुद्र को लांघ करके उस रावण की लंका में पहुंच करके उसके बेटे को मार देता है, उस रावण के सामने, जिस रावण के सामने देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। हनुमत नाटक में बड़ा अद्भुत वर्णन किया, एक एक देवता का नाम और एक एक देवता का काम गिनाया है रावण ने। हनुमान राजा इंद्र है, कोमल है, भारी काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसकी ड्यूटी लगा रखी है कि बगीचे से फूल तोड़ करके लाना है और माला बना के रोज सुबह मेरे गले में डालना है, ये इसकी ड्यूटी है। उस रावण के लंका में पहुंच करके उसकी लंका को जला के राख कर देता है। जिसके सेवक में इतना बड़ा पावर है तो उस परमात्मा को आने की क्या जरूरत है? वहीं से हनुमान को आदेश करते, सफाया हो जाता है। भगवान छुपाते गए, छुपाते गए, छुपाते गए, पर जब विभीषण भगवान की शरण में आया तो विभीषण से नहीं छुपा पाए, क्योंकि विभीषण लंका में भजन कर रहा था। प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसका पालन होता है वो सुमिरन है। ठंडी है, मैदान है, नीचे से भी ठंडी, ऊपर से भी ठंडी, इधर से ठंडी, यहां तो महाराजा श्री ने तो पूरा नगर बसा रखा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग प्रयागराज में हैं, क्योंकि यहां तो आनंद आनंद अखाड़ा है, तो आनंद ही आनंद है। विभीषण लंका में भजन करके आया, इसलिए विभीषण के सामने भगवान नहीं छुपा पाए और भगवान ने कह दिया, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरहूं देर ही भगवान ने बता दिया, मैं अपने संतों से मिलने के लिए आता और दूसरा कोई कारण नहीं। देखो परमात्मा वहां से चल के संतों से मिलने आता है, दुर्भाग्य है उन जीवों का जो भारतवर्ष की धरा में रहकर के भी संतों का दर्शन नहीं कर पाते। प्रयागराज में जमघट लगा हुआ है, कर लो महाराज दर्शन कर लो, क्योंकि बिना संत दर्शन के हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं। ये संत दर्शन परमात्मा के मिलन का कंफर्म टिकट है, नहीं तो वेटिंग में लगे रहोगे तो परेशानी बहुत होती है यात्रा में, वेटिंग में जैसे टीटी आएगा, उठो यहां से चलो आगे बढ़ो,
इसलिए टिकट कन्फर्म चाहिए तो संतों की शरण में जाना पड़े। प्रियोजनम सताम रक्षा। भगवान ने लीलाएं क्यों की? बोले कर्म सृष्टादि रक्षणम। भगवान ने जो भी लीला की वो सृष्टि की रक्षा के लिए, एक एक लीला में सृष्टि की रक्षा निहित है। विवाह भी किया, काम बस नहीं किया, कृपा बस किया। उस विवाह में भी आठ जो प्रकृति थी, भूमि रापो नलम वायु मम, भूमि रापो नलम वायु खम्मना बुद्धि रेवचा अहंकार भिन्ना इति प्रकृति अष्टधा। आठों प्रकार की प्रकृति को भगवान ने पटरानी बनाया। इसलिए काम के लिए नहीं, नहीं जीव के कल्याण के लिए। के अवतारा? तो अवतारा असंख्य। सारा संसार परमात्मा का ही अवतार है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए।